नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, अर्थक्वेक कैसे होता है और मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है। पृथ्वी के गर्भ में बेहद गर्मी है। गर्भ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब धरती के भूगर्भ में प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है, तब भारी प्लेट नीचे की ओर दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है और वह पर्वतों का निर्माण करती है। जबकि भारी प्लेट जब दब के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है, तो वहां मौजूद जियोथर्मल एनर्जी के कारण उसका मेटल और रॉक्स सब पिघल के मैग्मा बन जाता है और इतनी भीषण गर्मी के कारण गर्भ से प्रेशर उत्पन्न होता है। ये मैग्मा हल्की प्लेट पे दबाव बनाता है और आखिरकार इसे तोड़ के लावा के रूप में विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। पृथ्वी की सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जिस नली या सुरंग से लावा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुख कहा जाता है, और जब वही पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगर कहीं पर धरती की सतह ठोस हो और मैग्मा किसी तरह बाहर ना निकल सके और ज्वालामुखी विस्फोट ना हो, तो धरती कांपती है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसके प्रेशर से पृथ्वी की प्लेट्स में हलनचलन होती है और सैकड़ों मीलों तक अर्थक्वेक होता है। अगर विस्फोट हो तो उसके मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य अवशेष लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और धरती की सतह पर जम जाते हैं। आज पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखी के फटने का नतीजा है। फ्रेंड्स, इन ज्वालामुखियों के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। आज पूरी धरती पर लगभग 1500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के अंडमान निकोबार में बेरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई द्वीप का मोनाओला और क्राकातोआ विश्व के सबसे प्रमुख और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा प्रकार है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो है जो वर्षों से शांत है, स्तब्ध है या सोए हुए है, लेकिन ये कभी भी सक्रिय या जागृत हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा, जो संसार का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी है, वह सुषुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी के अंदर आता है और पता नहीं कब वो विध्वंस की लीला शुरू कर दे। फिलीपींस का मेयन ज्वालामुखी भी इसी कैटेगरी में आता है। ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो है जो युगों से शांत है और जिनका विस्फोट होना एकदम बंद हो गया है। बर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, साउथ अमेरिका का चिम्ब्राजो, हवाई द्वीप का मिनाको और कई इस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी के गर्भ में मुख्य 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और 26 और सब प्लेट्स हैं, जिसके आधार पर इस धरती की पूरी ज्योग्राफिकल सरफेस टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये थी ज्वालामुखी की नीडेड इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टडी में या अपने नॉलेज के लिए मदद रूप साबित होगी। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे हो सके इतना शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।